समर्पित है मेरा जीवन तुम्हारे नाम कह देना, जो होगा देखा जाएगा सुनो अंजाम कह देना, कोई संबंध पूछे तो कभी खामोश न रहना, कोई संबंध पूछे तो कभी खामोश न रहना, तुम अपने आप को मीरा मुझे घनश्याम कह देना। दोस्तों नमस्कार, जय श्री गणेश। आज हम गणेश उत्सव मना रहे हैं। गणेश जी की स्थापना घर घर में हो रही है। 10 दिन गणपति बप्पा हमारे घर में रहेंगे और हम उनकी वंदना करके रिद्धि सिद्धि की और यश की कामना करते हैं। आज हमारे कलम कैफे में मेहमान हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर शाम हमारे साथ एक मेहमान होते हैं जो आपको कविताएं सुनाते हैं और आप आनंदित होते हैं। क्योंकि आज गणेश उत्सव का दिन है, गणेश जी की स्थापना का दिन है, तो हमारे कलम कैफे के आज जो मेहमान हैं वो महाकाल की नगरी उज्जैन से आए हैं, जिनका नाम होता है देश के बड़े व्यंग्यकार श्री नरेंद्र सिंह अकेला जी। तो दोस्तों गणेश उत्सव शुरू हो चुका है, गणेश जी की आज स्थापना हो चुकी है, तो आइए पहली बार नरेंद्र अकेला जी हमारे कलम कैफे के स्टूडियो में पधारे हैं, तो आप जरा जोरदार तालियां बजाकर उनकी अगवानी करें और उन्हें आदेशित करें कि वे माइक पर आए और आपको अपनी कविताओं से आनंदित करें। कलम कैफे के तमाम श्रोता जो दूर दूर बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं सभी को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अतुल ज्वाला जी का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने उज्जैन के इस कलमकार को, गीतकार को, कवि को, नरेंद्र सिंह अकेला को यहां बुलाया। अभी उन्होंने बताया कि श्री गणेश जी की स्थापना का पर्व है। चूँकि मैं गीतकार हूँ, कवि हूँ, लेकिन बात चूँकि गणेश जी की चली है तो 4 पंक्तियाँ गणेश जी पर सबसे पहले सुनाता हूँ। और ये पंक्तियाँ उस दौरान लिखी गई थी जिन दौरान में कुंवारा हुआ करता था। तब मैंने कहा था कि हर वक्त मैंने तुमको पुकारा गणेश जी, हर वक्त मैंने तुमको पुकारा गणेश जी, हर काम तुमने मेरा संवारा गणेश जी, अरे सब दोस्तों की शादी हुई, बाप बन गए, रखा है मुझको अब भी कुंवारा गणेश जी। तो दोस्तों ये थे गणेश जी। गणेश जी का हम सबको आशीर्वाद मिले, सभी लोग धन दान से परिपूर्ण हो। हमारे जीवन में दोस्तों माँ का बड़ा महत्व है। यदि माँ नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। 4 पंक्तियाँ माँ के चंदों में आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा कि जो दिल को भाए मैं ऐसी अदाएं रखता हूँ, जो दिल को भाए मैं ऐसी अदाएं रखता हूँ, खुदा के सामने दिल की सदाएं रखता हूँ, और नहीं है खौफ मुझे अब किसी भी दुश्मन का, मैं अपने साथ में माँ की दुआएं रखता हूँ, मैं अपने साथ में माँ की दुआएं रखता हूँ। 4 पंक्ति सुनिएगा अतुल भाई, वो मुक्तक सुना रहा हूँ, वो 4 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ जिस मुक्तक ने मुझे पूरे देश में पहचान दी। सुनेगा कि ये करिश्मा वो जमाने को दिखाने आया, वाह 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 वाह, ये करिश्मा वो जमाने को दिखाने आया, वो हवाओं में चराओं को जलाने आया, जिसने गत वर्ष कटाए थे सैकड़ों जंगल, जिसने गत वर्ष कटाए थे सैकड़ों जंगल, वो मेरे गांव में एक पेड़ लगाने आया, वो मेरे गांव में एक पेड़ लगाने आया। और चूंकि मैं श्रृंगार का कवि हूँ, श्रृंगार मेरी विधा है, 4 पंक्ति सुनेगा कि जहाँ पर जलती है शमा वहीं परवान रहता है, जहाँ पर जलती है शमा वहीं परवान रहता है, मोहब्बत करने वालों को जरा समझाना रहता है, तुम इसको ईंट माटी की महज़ कब्र कहते हो, तुम इसको ईंट माटी की
महज एक कब्र कहते हो, यहाँ अरमा सी सकते हैं, यहाँ दीवाना रहता है। चार पंक्ति सुनिएगा। मुक्तक का नया रंग कि तन्हा तन्हा सफर नहीं होता, तन्हा तन्हा सफर नहीं होता, तेरे बिन अब गुजर नहीं होता। हाथ रख दे हमारे जख्मों पर, हाथ रख दे हमारे जख्मों पर, अब दवा से असर नहीं होता। हाथ रख दे हमारे जख्मों पर, अब दवा से असर नहीं होता। चार पंक्ति कलम कैफे के सुनने वालों को और सुना रहा हूं, सुनिएगा। कि बेसाख्ता उनसे जो मुलाकात हो गई, बेसाख्ता उनसे जो मुलाकात हो गई, पहली नजर में दिल से दिल की बात हो गई। अरे जुल्फे झटक के उसने अकेला से यूं कहा, जुल्फे झटक के उसने अकेला से यूं कहा, क्या जाने दो मुझको आज बहुत रात हो गई, जाने दो मुझको आज बहुत रात हो गई। चार पंक्ति सुनेगा। कि समर्पित है मेरा जीवन तुम्हारे नाम कह देना। ये जितने भी मेरे युवा साथी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं उन तक ये पंक्ति पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मेरी पंक्तियां नोट कर लें। कि समर्पित है मेरा जीवन तुम्हारे नाम कह देना। यह पूरा खेल कॉमन का है। समर्पित है मेरा जीवन तुम्हारे नाम कह देना, जो होगा देखा जाएगा, सुनो अंजाम कह देना। कोई संबंध पूछे तो कभी खामोश न रहना, कोई संबंध पूछे तो कभी खामोश न रहना। तुम अपने आप को मीरा मुझे घनश्याम कह देना, तुम अपने आप को मीरा मुझे घनश्याम कह देना। और सभी कलम कैफे के सुनने वालों को मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कलम कैफे के एपिसोड को आप लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे नरेंद्र अकेला जी। बात तो उन्होंने गणेश जी की वंदना से शुरू की थी कि मुझे अभी क्यों कुंवारा रखा गणेश जी, और बात पहुंचाई भी प्रेम मोहब्बत तक। और उन्होंने बताया कि ये उस दौर में लिखा था जब शादी नहीं हुई थी। तो वैसा जब से लेके अब तक का जो पीरियड है, इनका भाई साहब का जो श्रृंगार है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। इसके लिए आपकी तालियां एक बार बजना चाहिए। और अगर आपको अकेला जी के मुक्तक अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज शाम को आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे 5 बजे कलम कैफे के इस मंच पर। कल फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।